देपालपुर के मुरखेड़ा की सेवा सहकारी संस्था पर परेशान होते रहे किसान। परेशान हो रहे किसानों का कहना है कि उनको खाद नहीं मिल रहा है। जहां सरकार एक और किसानों के लिए नित नई योजनाएं बनाती है और किसानों के लिए एक से बढ़कर एक नए आयाम गढ़ने की कोशिश करती है, वहीं सरकार के ही नुमाइंदे शासन की इन योजनाओं और नीतियों को आम किसानों तक पहुंचाने में खरा नहीं उतरते। दरअसल इन दिनों किसानों को खाद वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में सेवा सहकारी संस्थाओं पर खाद्य वितरण का कार्य चल रहा है। वहीं देपालपुर के समीप मुरखेड़ा की सेवा सहकारी संस्था पर कई किसान खाद के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम यहाँ कई घंटों से बैठे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा। वहीं सभी सेवा सहकारी संस्थाओं में प्रत्येक बीघा पर 50 किलो की यूरिया खाद मिल रही है। वहीं मुरखेड़ा की सेवा सहकारी संस्था में हमें प्रत्येक बीघा पर 25 किलो खाद ही दी जा रही है, जिससे सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं। इको में प्रॉब्लम आ रही थी, अब है यूरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यूरिया 5 बीघा का दे रहे हैं और किसान आपको बताओ कैसे पूर्ति करेगा। किस तरह कहना यही है, हमारी मांग यही है, हमारे समय पे खाद दिया जाए और पूरा जो हमारी जो लिमिट है खाद की वो हमको दिया जाए। खाद अभी खाद वितरण का किसान कैसे, किसान की परेशानी बहुत सारी है, कैसे आगे मतलब सीजन तो आ गया है गेहूं का, खाद तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी खाद मिल रही है अभी यहाँ पे? खाद अभी 5 बीघा का मैं बता रहे हैं साहब, मैंने करीब करीब 5-6 रेक लगी तो आपने इधर खाद इन्हें भेजाने, और अपन ने बैंक से जब बात करते हैं तो वो बता रहे हैं कि भाई आपको अभी नहीं आया था, अगली रेट में देते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने अपने यहाँ खाद नहीं भेजा। किसानों का कहना है कि खाद भी कम दिया जा रहा है, बल्कि अन्य सोसाइटियों में खाद अधिक मात्रा में दिया जा रहा है, उसको लेकर शासन का आदेश है कि 1 बोरी से किसान को खाद देना है। इसके बाद अभी क्या अपने पास पर्याप्त मात्रा में खाद आया नहीं आगे से, इसलिए अपन ने सोच रहे हैं कि जो किसान आए हैं इनको अपन खाली नहीं भेजें और इनको कुछ भी मतलब 25 किलो बीघा का हिसाब से अपन इनको पूर्ति कर देंगे, और बाद में आएगा तो फिर कर देंगे इनकी थैली। अभी पर्याप्त मात्रा में खाद, पर्याप्त मात्रा में नहीं। बहुत दिन से रोज आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपकी खाद की क्या व्यवस्था है। आज भी सुबह किसान यहाँ पे 7 से बैठे हैं, कर्मचारी का समय रहता है कि 9 से 10 आना, बल्कि यहाँ कर्मचारी 11 से 12 आते हैं। उसके बाद में भी हमने उनसे पूछा, कर्मचारियों से, सेक्रेटरी साहब से, कि साहब हम किसानों के लिए क्या व्यवस्था है, हमको इसको DAP यूरिया, तो बोले इसको DAP तो है ही नहीं, यूरिया हम 5 बीघा का देंगे। सर आप बताइए कि 5 बीघा यूरिया में किसान कैसे पूर्ति करेगा, और उसके बाद में आज बोनी है, 4 बाद में बोनी चालू हो जाएगी किसान की, तो इसके बाद में भी बोल रहे हैं कि इसको भी नहीं है, DAP भी नहीं है, तो अब क्या हो रहेगा किसान है। उसके बाद में भी चाबियां ले लेके घूमते, और अभी मैं अंदर गया बात करने सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी साहब बोलते जा तेरे से वो जो कर लेना, और उनका एक कर्मचारी जो अब अभी खुद से पढ़ा लिखा भी नहीं, सही साठ पहले भी वो बीमे में घपला कर चुका, 45 लाख रुपए का बीमा बड़ोली होज में, वो भी उलझा हुआ पड़ा है। उसके बाद में वो क्या बोलता, जा तेरे से वो जो कर लेना। तो अब हम गरीब किसान हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ। अभी कितना खाद मिल रहा है? 5 बीघा का। और दूसरी संस्थाओं में कितना दिया? 1 एक थैली बीघा। ऐसा क्यों, क्या मालूम, ये सेक्रेटरी साहब जाने, वो बोलते तुम उनसे बात करो, उनसे बात करो, किससे बात करेंगे हम।